हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्विज एमसीक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो व्याकरण की गलतियों चाहे वर्तनी की गलतियों की जांच के लिए F7 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। हमारे सिस्टम में कुल फंक्शन की 12 फंक्शन की होती हैं, F11 से लेकर F12 तक। ठीक है, कुल कितनी फंक्शन की होती हैं? 12 फंक्शन की। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज। सबसे पहले आता है यदि आपको ओपन करना है तो ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। ओपन के लिए क्या होता है? Ctrl+O। फिर न्यू के लिए होता है Ctrl+N। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू के लिए क्या होता है? Ctrl+N। प्रिंट के लिए होता है Ctrl+P। प्रिंट के लिए क्या होता है? Ctrl+P। नेक्स्ट है सेव के लिए होता है Ctrl+S। Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड के लिए क्या हो जाएगा? Ctrl+F। Ctrl+F फॉर फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट Ctrl+H। Ctrl+H फॉर रिप्लेस। Ctrl+H फॉर रिप्लेस। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट स्टाइल की तो Ctrl+B से होता है आपका बोल्ड। Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड। Ctrl+I से हो जाएगा इटैलिक। Ctrl+I से क्या हो जाएगा? इटैलिक। ठीक है, फिर Ctrl+U। Ctrl+U से अंडरलाइन। ठीक है, Ctrl+U से क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। कट कॉपी पेस्ट ही बता देता हूँ मैं आपको। Ctrl+X से होता है आपका कट। Ctrl+C से हो जाएगा आपका कॉपी। Ctrl+V से हो जाएगा आपका पेस्ट। Ctrl+Z से हो जाएगा आपका अंडू। Ctrl+Y से हो जाएगा आपका रीडू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समूह में 5 आइटम हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह में कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होता है? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त चार्ट होता है वो होता है आपका पाई चार्ट। कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल से। एक व्यक्ति को एमएस एक्सेल कार्य पुस्तिका पर एक साथ काम कर रहा है, वह दोनों कार्य पुस्तिका की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा करने के लिए अरेंज ऑल टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका? दृश्य टैब में अरेंज ऑल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए? तो वो होना चाहिए डायलअप। क्या होना चाहिए? डायलअप। मैं SMTP ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायलअप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। यदि आपको एमएस एक्सेल 2016 की ईबुक बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पे क्वेरी करके पता कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको MS Office 2016 की ईबुक 70 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। यदि आप बेल्ट्रॉन के 40 ऑफिशियल पेपर इंग्लिश और हिंदी भाषा में चाहते हैं, वो भी आपको 70 रुपीज़ में व्हाट्सअप पे अवेलेबल हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। MS Excel में यदि एक सूत्र फॉर्मूला एक कच से दूसरे कच में कॉपी किया जाता है तो सटीक कच उत्तरण के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो 41वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉलर। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉलर सिंबल का।
प्रश्न नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुलेट्स एंड नंबर फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, किसके रिगार्डिंग, बुलेट एंड नंबरिंग फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड, बुलेट और नंबरिंग फंक्शन एमएस वर्ड, यानी कि बाय यूजिंग नंबरिंग ऑप्शन वी कैन नॉट असाइन अल्फाबेट टू सेलेक्टेड डाटा, क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग नंबरिंग ऑप्शन वी कैन नॉट असाइन अल्फाबेट टू अ सेलेक्टेड डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 43 पे, 43वां प्रश्न क्या कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में कार्यपत्रक की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, तो प्रश्न नंबर 43 का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 43वें के क्या उत्तर होगा, तो 43वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पत्रक को सुरक्षित करना, क्या हो जाएगा, पत्रक को सुरक्षित करना। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम एमएस एक्सेल 2016 से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, तो पत्रक को सुरक्षित करना वाली कार्रवाई की जा सकती है। एमएस एक्सेल 2016 की बात करते हैं, एमएस एक्सेल 2016 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल 2016 क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। एमएस एक्सेल का जो आपका फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। यदि मैं डिफॉल्ट नेम की बात करूँ तो इसका डिफॉल्ट नेम हो जाएगा बुक वन, क्या है, एमएस एक्सेल 2016 का डिफॉल्ट नेम। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सब स्क्रिप्ट, ठीक है, जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+ =, क्या हो जाएगा, Ctrl+ =। सेकंड है सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की, तो सुपर स्क्रिप्ट का हो जाएगा आपको Ctrl+ Shift+ =, क्या हो जाएगा, Ctrl+ Shift+ =। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, 44 क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो बात आ रही है वेब ब्राउजर की। पहले मैं वेब ब्राउजर बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वेब ब्राउजर है वो होता है गूगल क्रोम, क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। फिर मोज़िला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। फिर एप्पल का सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर है। अब इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं, तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है ये वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है ये वेब ब्राउजर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। आपसे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर्च इंजन से रिलेटेड, तो मैं आपको बता देता हूँ गूगल क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग क्या है, सर्च इंजन है, याहू क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। फ्रॉम विच मीनू वर्ड आर्ट सिंबल कैन बी एडेड इन एमएस एक्सेल, फ्रॉम विच मीनू द वर्ड आर्ट सिंबल कैन बी एडेड इन एमएस एक्सेल, किस मीनू से वर्ड आर्ट सिंबल को ऐड किया जाता है एमएस एक्सेल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसर्ट, क्या हो जाएगा, इंसर्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट की फिर से रिपीट कर देता हूं, Ctrl+ Y से क्या होता है कमेंट में लिख के बताइए,
और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है। दोनों शॉर्टकट की मुझे कमेंट में चाहिए, कंट्रोल प्लस वाई किसका शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस जेड किसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट में बताना है। मैं कुछ फंक्शन की के बारे में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। F5 से क्या होता है, F5 से रिफ्रेश होता है। F1 से क्या होता है, बिल्कुल सही, हेल्प होता है। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। F7 से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। F12 से क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेलीकेटेड प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर लार्ज डाटा फाइल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ लोकल ड्राइव एंड सर्वर स्पेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेलीकेटेड प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर लार्ज डाटा फाइल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ लोकल ड्राइव सर्वर स्पेस। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FTP, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या है, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी बार को जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो स्क्रीन स्लैश डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी जो बार दिखाई देती है जहां सिस्टम के तारीख और समय यानी कि डेट और टाइम दिखाई देता है, लिखा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं टास्क बार, उसको क्या कहते हैं, टास्क बार। यदि मैं हिंदी में कहूँ तो उसको कहेंगे कार्य पट्टी, है उसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर एग्जाम।